देखिए तो अब एक चीज है वो वहां से लड़की है इस वजह नहीं, से नहीं 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 देखिए आप भी माशाल्लाह फीमेल ही है और वो भी फीमेल है, लेकिन अगर वो सामने आ रही है, वो कल खुद अपने वीडियो पे कह रहे हैं हमारे यहाँ मर्द हजरात है, लेकिन हम लोग एजुकेटेड लोग हैं, ये हमारा मसला है, ये हम हल करेंगे, बट उनको नहीं आने उनकी देंगे बहुत ज्यादा सामने। लीगल राइट है उस पे, वो तो नहीं वो ठीक है, लीगल राइट फिर मुश्ताक का था। हाँ तो ये है ना लीगल मैडम है मतलब प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट ये पोस्टिंग इंक्वायरी आता तो ये दो तक आंसर ठीक है। दे विल बी एड दे विल बी जेड ये देखिए, लेट देम डिसाइड। ये हमने उनके साथ देखिए, ये हमने उनके कहने से डीसी ऑफिस में एप्लीकेशन डाली थी कि ये हम दोनों की जमीन न कि मेरी सिर्फ या उनकी, दोनों की जमीन नाप के इसको मेजरमेंट्स करें और मेजरमेंट्स के बाद हमें बताएं इसके पास क्या है। बिल्कुल अगर उनके पास ज्यादा है वो हमें क्लियर कर दीजिए, अगर हमारे पास ज्यादा है वो भी क्लियर कर दीजिए, और उसमें मेन चीज ये था कि ये रास्ते का राइट जिसका है उसको दे दीजिए, ये मेन चीज था। इसको लेके डीसी ऑफिस में कमेटी बनी, और कमेटी वहां पे उन्होंने उनको समन भेजा और हमको भी भेजा। ये हमारी समन है, उनके पास भी समन थी, इस डेट में आप 7/14 को वहां पे रहिए 11:30 बजे 11 बजे। ये हमारे पास भी समन था, उनके पास भी था, और जब वो लोग आए वहां पे उन्होंने उनको घुसने नहीं दिया। तो इसका डिसीजन पेंडिंग रहा है, ये हाँ ये पेंडिंग ये है, पेंडिंग। तो उन्होंने उनको घुसने नहीं दिया तो वापस चले गए। 3-4 दिन के बाद दोबारा कमेटी में ऐड हुए एसडीएम साहब, उनको भी बताया गया कि ये मेजरमेंट करके यहाँ पे ये लाए, उन उस वक्त भी उनको दोबारा से वापस उनको आने नहीं दिया, घर के अंदर आने नहीं दिया, तो फाइनली वो पेंडिंग रहा। तो ये जो डीसी का डिसीजन है या उनके कमेटी का है वो पेंडिंग वो है, पेंडिंग वो पेंडिंग है। इन द मीन टाइम मुश्ताक साहब मुझे फोन करते हैं कि मुख्तार साहब ये मसला हल हो जाएगा, आप चिंता ना करें, मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ ये मसला में ये बच्ची की शादी हो जाए एक बार, उसके बाद हम ये मसला हल करेंगे, मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ। मैं कहा मुश्ताक साहब मुझे कोई एतराज नहीं है, मैंने कहा मुझे कोई एतराज नहीं है, जब आपको लगे आप टाइम ले लीजिए, मैं जल्दी में नहीं हूँ, मैं अभी रह नहीं रहा हूँ वहाँ पे, चाहे 1 महीना लगे 2 महीने लगे, लेकिन अगर आप मुझे एश्योरेंस दे रहे हैं मैं मसला हल करूंगा, मैं आप ही के ऊपर छोड़ दूंगा, कोई बात नहीं। मुश्ताक साहब के ऊपर छोड़ के इस चैप्टर को फिलहाल रुकवा देते हैं। उसके बाद शादी होती है, शादी के फौरन बाद मैं भी अपने काम में बिजी था, मैं बाहर भी गया था बीच में, तो 25 नवंबर को हमारे घर का गेट टूटता है। ये गेट है ये गेट जो ऑलरेडी 2018 और 15 में था, हाँ, जैसे आपने हाँ, बताया हाँ, उसकी मेरे पास सारी एविडेंसेस है। ये गेट टूटता है, ये गेट देख लीजिए, ये मैं मुश्ताक साहब को व्हाट्सएप पे भेजता हूँ। ये गेट लेकिन यहाँ पे टूटा हुआ पड़ा है, इस वक्त यहाँ टूटा है, इसीलिए मैं मुश्ताक साहब को, मैं आपको व्हाट्सएप पे दिखाता हूँ मुश्ताक साहब को। आपके पास गेट की फोटो है जो गेट लगा हुआ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सारी चीज मैं आपको एक एक चीज क्लियर कर दूंगा जी। ये देखिए, ये मैंने आपको पहले कहा कि उसने मुझे कहा कि मेरी मदद कीजिए, उसके बाद मैं उनको ये 25 नवंबर को गेट की फोटो में भेजता हूँ जो गेट साइड में रखा हुआ है, और एक गाड़ी इनकी कोई आई हुई है, ये देखिए इसकी फोटोज है, और ये गेट सड़क के आगे था, ये वही बिल्कुल सड़क के आगे था, ये वो भी मैं आपको दिखा दूंगा जो अभी, ये देखिए यहाँ पे गेट इन्होंने तोड़ के साइड में रखा, और मैं किसी और को नहीं मुश्ताक साहब को ही भेज रहा हूँ कि मुश्ताक साहब देखिए ये गेट तोड़ दिया इन्होंने। अब मुझे बताएं, मैं दिल्ली में था तब, मैंने उनसे पूछा अब मुझे बताएं ये कौन ठीक करेगा, उन्होंने कहा कि वहां पे कोई है नहीं, आप अब उनको ठीक कर दीजिए, मैं उनसे बात कर लूंगा, कोई बात नहीं, मैं गेट ठीक करता हूँ। उसके बाद उसकी भी मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, उसके बाद मेरा गेट वापस इरेक्ट होता है। दिस इज द फ्रंट रोड, दिस इज द फ्रंट, दिस इज द फ्रंट जिसपे मसाइल है। हाँ ये है गेट, ये कब की बात है सर? ये तो 2018 का है। अभी गेट कहाँ है? ये तो चोरी हो गया, इसकी भी मैं आपको पूरी वहां तक। हाँ ये हमने कल सुना है चोरी हो गया। अब मैं आपको वही बता रहा हूँ। सो दैट मींस 2018 में गेट लगा है बिल्कुल एग्जैक्टली जहाँ पे आप इस वक्त लगा रहे हैं, जहाँ इस वक्त लगा रहे हैं। एक मिनट मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, कितना वो बिकाल हमने प्लॉट देखा वहां पर। हाँ ये वही है ना सामने जो गेट है वहीं पे। बट सर कश्मीर तो ऐसी प्लेस है, मतलब कोई चीज मतलब अगर निकालेंगे वॉल से तो सब तो सुनेंगे ना। वह हम आपको आपको तो पता है हमारा चौकीदार कितना अंदर है, और जब रात में ये आएगा
तो कैसे पता चलेगा? और ये मैंने कहा कि ये रात के अंधेरे में हुआ है, क्योंकि वो लेडी जो आरिफा लावे है मेरे चौकीदार के पास 9 तारीख की शाम को गई थी कि गेट खुला रख दो नहीं तो हम यहाँ सब कुछ जला देंगे, वो भी एफआईआर में मेंशन है। ये देखिए डेट और टाइम इसमें फोटो का कब का है। सो दिस गेट वाज न्यू गेट रेनोवेटेड आफ्टर ये गेट जब तोड़ा गया था। नहीं नहीं हाँ जब तोड़ा गया था तोड़ने के बाद जी उसके बाद ये है 20th ओके ठीक है दिसंबर ठीक है सर ठीक है जी। ये इसके बाद यहाँ पहुँचे हैं तो मुश्ताक साहब से मैं बात करता हूँ, वो कहते हैं इसको वापस इलेक्ट कर दीजिए और हम वापस इलेक्ट करते हैं। उसके बाद 10 दिसंबर सुबह की फोटो है और 10 दिसंबर का इसमें आप देख लीजिए डेट भी है। तो 9 दिसंबर को आपने गेट लगाया? ये 9 दिसंबर की फोटो है। अच्छा ठीक है ये हमने उसी वक्त वापस इरेक्ट किया था 25 नवंबर को जब हमारा गेट टूटता है 26 नवंबर को हम वापस उसको वापस नया लगा के ठीक करते हैं। दिसंबर में ये फिर से ये देखिए 10 दिसंबर हाँ जी 10 दिसंबर की फोटो ये है, मेन गेट ही नहीं है। मेन गेट नहीं है और मैं क्या लिख रहा हूँ मुश्ताक साहब को रिलेटिव ठीक है ये मैं उसको उसी वक्त लिखता हूँ उसके बाद में इसमें डेट पूरा बाकायदा है। ठीक है ये अच्छा ये हो गया यहाँ पहुँच गया हूँ इसकी ये फोटो है। इसी दिन 10 दिसंबर को ही मैं पुलिस स्टेशन मोहम्मा जाता हूँ एप्लीकेशन देता हूँ कि मेरा गेट चोरी हो गया। ठीक है जी वहाँ एफआईआर नंबर ये लगता है एप्लीकेशन में उस दिन देता हूँ वो एफआईआर 15 तारीख को लगाते हैं 15/12/2020 एफआईआर की डेट गेट की। ठीक है ये ओके ये मेरा गेट चोरी हुआ हाँ मुझे डेट उस के साथ ही मैं डीसी ऑफिस में जाके ये बोलता हूँ कि इन्होंने ट्रेसपास किया है मेरा गेट तोड़ा है इसको ये देखिए। उसके बाद इसका डिसीशन पेंडिंग है अभी अभी हाँ मैं नहीं मैं वो तो वो हो गया ना सारा मैं वही बता रहा हूँ आपको सीक्वेंस में ले जा रहा हूँ। इसके बाद ये एक डेट थी इसमें 19/1 ये देखिए फिर मैं उसके बाद उसमें एक एप्लीकेशन मूव करता हूँ कि मुझे गेट लगाने के लिए परमिशन चाहिए और ये बताने के लिए कि मुझे बताएं जब आपने स्पॉट विजिट की थी वहां पे जब आपने मेजरमेंट करने के लिए आए थे क्या मेरा गेट वहां था या नहीं था। ये मैं अप्लाई कर रहा हूँ डीसी ऑफिस में दोबारा ये उसका ये मार्क कर रहे हैं तहसीलदार को कि इसका आप जी हेलो इस एप्लीकेशन के साथ ये तहसीलदार को ये मार्क कर रहे हैं और तहसीलदार अपना रिपोर्ट दे रही है कंसर्न पटवारी के साथ पूरी रिपोर्ट। ये एक दिन का काम नहीं ये 4 महीने का काम है मैं मतलब 4 महीने इसको आगे पीछे चल रहा हूँ तब जाके मैं ये सारी चीजें कर पा रहा हूँ। ठीक है ये देखिए जी इसके बाद ये देखिए उस रिपोर्ट के अगेंस्ट फिर डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर हमको ये रिपोर्ट तलब कर रहा है इनसे कि और ये गेट लगाने की बात है इसमें। ये है कि द गेट इज मिसिंग गेट ये रिपोर्ट है कि गेट इज मिसिंग। अब डिप्टी कमिश्नर तहसीलदार को कह रहा है कि ये गेट वापस करवा है और वो अब तहसीलदार वापस इसका ऑर्डर बनाती है। इसमें भी टाइम लगता है ये एक दिन में नहीं सारे काम होता है जी मार्च की बात है। ये गेट लगाने का ऑर्डर है जी ठीक है जी गेट लगाने जब ये आ रहे हैं
तो वो लोग कह रहे हैं कि हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट स्टे है, और जो हकीकत बात नहीं थी। लेकिन वहां पे उन्होंने, हम लोग मेंटली इसमें ये सोच रहे थे कि शायद कोई मसला नहीं है, ऑर्डर प्रॉपर बाकायदा है, तो वो गेट लगाने में एतराज नहीं करेंगे। लेकिन जो कंसर्न डिपार्टमेंट, लेकिन ये जो है ये कोर्ट का ऑर्डर नहीं है ना, एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट एडमिनिस्ट, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, केस जो अभी कोर्ट क्यों इन्वॉल्व करना था? ठीक है, अभी नहीं, इसमें हमें कोर्ट इन्वॉल्व क्यों करना था? ठीक है, तो इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन का था कि गेट वापस लगा, ठीक है, हां, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर ये नहीं है, नहीं है। मैं आपको वो भी क्लियर करूंगा जी। इन्होंने कुछ एक्शन हुई थी स्टोलन की वगैरह, जो आप कह रहे हैं कि मतलब एलिगेशंस है कि उन्होंने स्टोल किया था गेट, तो उनके खिलाफ एक्शन वगैरह कुछ हुआ है? वो पुलिस को पता होगा ना, पुलिस का वर्जन है, पुलिस से आप पता करें। मैंने 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 पुलिस स्टेशन में FIR लॉन्च करवाया, उसके बाद पुलिस का काम है वो उसकी सारे रिपोर्ट्स तलब करना। खैर, उसको भी मैं अभी आपके साथ जिक्र करूंगा। इन्होंने क्या कहा उस वक्त जो उन्होंने हंगामा किया सोशल मीडिया पे, उन्होंने वीडियो वगैरह बनाए, उस वीडियो में आप मुझे एक जगह पे ये दिखाएं हमारे आदमी ने या हमने उनके साथ कोई बात की है, बदतमीजी तो छोड़ दीजिए, कोई भी बात की है, हम उनको कोई आर्ग्यू कर रहे हैं, हम उनको कोई बात सुना समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी बात आप दिखाएं मुझे उस वीडियो में जो उन्होंने बनाया, उस जो उन्होंने वायरल किया, उसमें मुझे एक भी बात बताएं कि जो हमने उनको कहा कि समझाने की कोशिश की, जिसको वो कहेंगे हरेसमेंट किया, हम उनके सामने आए, हमने उनके साथ बात की, कोई भी वो वीडियो मुझे दिखाए जो वो कहें कि हाँ इन्होंने किया कुछ, हमने उनके साथ कोई बात नहीं की, हमने उनको कुछ नहीं समझाया, वही हमको समझाते रहे। कभी कोर्ट ऑर्डर है, जो कोर्ट ऑर्डर है वो उनका सिर्फ इंटरिम रिलीफ था उस सड़क पे चलने के लिए जब तक फाइनल डिसीजन कोर्ट का नहीं आता, वो सिर्फ वही था, ये वकील साहिबा को पता होगा, उसमें वो स्टे ऑर्डर नहीं था, वो उस टाइम पे था कि स्टे ऑर्डर नहीं इंस्टॉल करने की कोशिश की है, नहीं कोई स्टे ऑर्डर था उसमें, उस टाइम नहीं था, जब ये था उस टाइम नहीं था, नहीं था ना, उसके बाद आप कोर्ट का मैं वही कह रहा हूँ, उन्होंने उस वक्त यही कहा कि ऐसे सर्कल करके पूरी मीडिया को दिखाया कि हमारे पास ऑर्डर है कोर्ट का, जो इनको स्टे है ये नहीं लगा सकते दरवाजा, जबकि वो गलत बात थी। हमने कुछ नहीं कहा क्योंकि हम प्रिपेयर नहीं थे उनके उस मीडिया को जवाब देने के लिए, हमारे पास कोई वीडियो नहीं था, हमने जो उन्होंने ड्रामा वहाँ किया, जो वहाँ उन्होंने अपने घर के अंदर वीडियो बनाया, तीन जगह बिठाया, एक सिस्टर को एक जगह बिठाया, मदर को एक जगह बिठाया, दूसरी सिस्टर को दूसरी जगह बिठाया, वहाँ कोई है नहीं, वही तीन बहनें और मदर, और फिर उसके बाद वो नोना दोना, उस चीज से लोगों को उन्होंने चलो वो दीगर सवाल है, नहीं दीगर सवाल नहीं है, मेन सवाल वही था, क्योंकि दीगर सवाल अगर होता तो शायद आज, अगर दीगर सवाल होता तो शायद आज ये सिचुएशन नहीं होती। उन्होंने उस वक्त हमारे ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं किया, तो काम करने नहीं दिया, तो हम लोगों ने काम बंद कर दिया। ठीक है, फाइनली किसी ने बात की कि ये उन्होंने इंटरिम रिलीफ लाया है, उन्होंने हमें बताया, हमने उनका जो इंटरिम रिलीफ था वो स्टे किया है, ये देख लीजिए आप, ये स्टे किया परसों शायस्ता नजीर की जो ऑर्डर है। लेकिन इस ऑर्डर में शायस्ता मैम जो है वो उनको पुलिस प्रोटेक्शन भी दिलवा रही है। किनको? नहीं, उनका लिखा हुआ है कि उनको पुलिस प्रोटेक्शन भी मिलेगी। कौन कह रहा? जो शायस्ता मैम है उनका जो पेपर है, जज उनके पेपर में ये लिखा गया है, ये शायस्ता का नहीं, ये पता नहीं जावेद साहब का, देखो जो शायस्ता जी का ऑर्डर है, ये जो उन्होंने CGM का ऑर्डर लाया था, इंटरिम रिलीफ लाया था CGM से, ये तो नौशाद अहमद का है। अब ये देखिए, ये वो चीजें नहीं है, वो सारी इससे नीचे की बातें हैं, वो मुझे नहीं पता वो कौन सा ऑर्डर है, और वो ऑर्डर को भी जितने भी उसमें ऑर्डर है वो स्टे, वो जो उनका मेन ऑर्डर था जो CGM ने दिया था, ये वही CGM का ऑर्डर स्टे हो गया, तो बाकी जो उनके साथ उन्होंने कोई केस रिलेट किया है वो सो ऑटोमेटिकली खत्म हो गया, उसका कोई उसकी रेलेवेंस नहीं रही। जब मेन आपका ऑर्डर ही स्टे हो गया तो फिर उसके बाद दैट मींस उस गली पे या उस जगह पे कंस्ट्रक्शन अब स्टे हो, स्टे ऑर्डर आ गया। नहीं, उस जगह पे हमने स्टे लाया, जो उन्होंने इंटरिम रिलीफ लाया था उस सड़क पे चलने के लिए, वो और उसको वो जो कह रहे थे कि गेट नहीं लगा सकते हैं, उस चीज को हमने स्टे किया, तो हमने वो स्टे करके वो गेट लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, आप मुझे बताएं वहां पे लोग कितने सालों से चल रहे हैं? सही कह रहा हूँ ना,
कितने सालों से लोग वहाँ पे चल रहे थे ऑलरेडी, कितने सालों से लोग वहाँ चल रहे थे। मुझे उस सड़क जब से कायनात बनी है तो जमीन पे सब चलते नहीं हैं। उस सड़क की तो मिल्कियत जमीन, ये सड़क नहीं है, पहले आप इस चीज को क्लियर करिए। मिल्कियत किसकी है? ये हमारी मिल्कियत है, आपने खरीदी है? बिल्कुल खरीदी है। इसके पेपर है आप? बिल्कुल है। ये तो हमने कोर्ट में भी सबमिट किए है ना, ये ऐसे नहीं। देखिए मैंने आपको कहा कि उनके पास क्या सबूत है ये, या कोई डॉक्यूमेंट है, सबूत की बात छोड़ दीजिए, कोई डॉक्यूमेंट है इस लैंड के रिलेटेड है ही नहीं। एक मिनट, उनके पास कोई जमीन के पेपर नहीं है। अब आप देख लीजिए जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इसको आप गौर से देख लीजिए। जो लैंड मेजरमेंट की बात थी वो ये है, ये ETS मशीन से लैंड मेजरमेंट हुई है, जो क्लियरली दिखा रहा है हमारे पास 11 मलरा कम है जमीन, और इनके पास 444 फुट दीवार के अंदर यानी पौने दो मलरे से ज्यादा थोड़ा वो जमीन ज्यादा है दीवार के अंदर, दीवार के बाहर तो छोड़ दीजिए। अब जब हमारी 11 मलरा कम है और इनके पास पौने दो मलरा है, वो किन की है? आपसे ही मैं समझना चाहूंगा। अब ये देखें इनकी ये प्लॉट है, ये बहुत जरूरी बात है समझने की, ये प्लॉट है इनका, इनके लैंडलॉर्ड ने ये यहां पे रास्ता दिया बाकी प्लॉटों में जाने के लिए, ये देखिए आप। जब ये जमीन कोई भी लैंडलॉर्ड छोड़ता है उसमें क्या होता है, बायर और सेलर, ये आधा सेलर छोड़ता आधा बायर छोड़ता है। ये 6 मलरा जमीन है, इसमें इनकी 3 मलरा जमीन है, वो 3 मलरा जमीन कहां कैलकुलेट हो जाएंगी? वो यहां कैलकुलेट हो जाएंगी या यहां कैलकुलेट हो जाएंगी? कहां कैलकुलेट, किस खाते से उतरेंगी वो? अब इनकी दीवार के अंदर ऑलरेडी जो 2 मलरा 2 कनाल 6 मलरा इनकी जमीन है, ऑलरेडी इनके पास 2 कनाल 7.5 मलरा दीवार के अंदर अंदर है, प्लस ये 3 मलरा, ये कहां से आएंगे? ये किस खाते से ये 6 मलरा ये 3 मलरा जमीन कहां से निकालेंगे? उसके बावजूद जबकि इनके प्लॉट ऐसे हैं, एक प्लॉट का दरवाजा यहां है, एक प्लॉट का दरवाजा यहां है, तो यहां कहां से आ गया, ये कहां से आ गया? मुझे जरा, मैं शायद समझ नहीं पा रहा हूं, आप मुझे समझाइए। ये देखिए प्लॉट, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, हमारे पास 2 प्लॉट है, ये सही बात है, उसमें कोई दोराय नहीं है, लेकिन ये इनको कहते हैं हमारे पास ऐसे 2 प्लॉट, एक सामने फ्रंट साइड एक बैक साइड, जो गलत बात ये कह रहे हैं। ये इनका पेपर है जो इन्होंने सबमिट किया है कोर्ट में भी, जो इन्होंने सबमिट किया हर जगह, ये प्लॉट ए और प्लॉट बी जो इनकी मिल्कियत से उन्होंने लैंडलॉर्ड ने जमीन छोड़ी है वो ये है। उसको अगर देखते हैं तो फिर इनका यहां एक गेट लगे, यहां 4-5 गेट लगाए, हमें कोई एतराज नहीं है क्योंकि इनकी अबूर व मरूर है, लेकिन ये तो प्राइवेट लैंड है, प्राइवेट लैंड में कहां घुसते हैं? लेकिन सर एक सेकंड, आपको ये रूल तो पता होगा कि अगर किसकी मलकियत या प्राइवेट लैंड होता है और उस पे 5 साल तक लोग चलते हैं और आप ऑब्जेक्ट नहीं करते तो वो क्या हो जाती है, वो पब्लिक की ही हो जाती है। अच्छा, है कि नहीं? वेरी गुड है कि नहीं? अभी कितने, क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट तो इस, क्योंकि इस रोड पे लोग चल रहे हैं, कब से चल रहे हैं, जैसे आपने ही कहा है, जो भी लोग, इट इज अ मेन सड़क, हमारा तो अभी FIR लगा हुआ है कि गेट चोरी हुआ 4 महीने पहले, ये अब की बात आप कर रहे हैं ना, 4 महीने पहले, तो उसके बाद 5 साल का। मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ कि आपने क्या, आपने कभी ऑब्जेक्ट किया? हमारी आती है जब हमारा गेट बंद है, आप समझ लीजिए इस चीज को, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब हमारा गेट लगा हुआ बाहर, जिसको हम अलो करेंगे वही आएगा ना अंदर, जब गेट नहीं है, ये तो 4 महीने से नहीं है, 5 साल नहीं हुए ना अभी। लेकिन आपने ये तो जमीन 4 महीने से नहीं है ना सर, ये तो काफी सालों से इनका घर, काफी सालों से आपने जमीन, इनका घर काफी सालों से, हम इनके घर को कोई ऑब्जेक्शन जी नहीं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पे लोग चल रहे थे, है कि नहीं? नहीं, इनके अपने, ये तो अपने दरवाजे से। देखिए सर, कल हम भी गए, हम भी चल रहे थे वहाँ पे, ठीक है ना, वहाँ पे कहाँ जो ये सड़क है ना, मुझे जो ये सड़क है, जो ये गेट से पहले सड़क, देखिए ये आप, ये हमारा गेट है जी, ये बंद है जी, ये आपने देखा डेट कौन सा है जी, 9 दिसंबर 2020 का डेट है जी जी, 9 दिसंबर 2020 में हमारा गेट लगा है। हाँ जी। इनकी गाड़ियां बाहर खड़ी है। हाँ जी। गेट के अंदर तो नहीं है। नहीं, नहीं। कि इनका गेट बाहर मेन रोड पे है। हुँ. और इसके साथ एक छोटा दरवाजा इन्होंने, वो भी इन्होंने एनक्रोचमेंट करी है इनफैक्ट, लेकिन वो यहाँ पे है, वो ये यूज कर रहे हैं, तो हम पीछे कहाँ से जा रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं, कि आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं से कि वहां से लोग चल रहे हैं, कैसे लोग चल रहे हैं? जब भी मैं आपको बता रही हूँ, जो उनकी तरफ से ये है कि ये गेट था, ठीक है ना, आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, जब गेट बंद है,
गेट जब गेट बंद है तो आम पब्लिक कहाँ से चलेगी, ये मेरे को मैं आपको वही समझानी, ये तो आपका वर्जन है राइट, मेरा वर्जन ये है, मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ जी, उनका उनके पास भी है कि गेट इस पे था ही नहीं, वो कैसे ठीक है ना, जबानी कुछ भी कहे बस आओ आदि क्या ठीक है, गेट था ही नहीं, और अगर गेट मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ प्रूफ आप मुझे दे रहे हैं ठीक है, देखिए मैं बताऊंगा, आप यहाँ पे बैठे हैं और मैं कहूंगा आप यहाँ नहीं है, ये पॉसिबल है, वो मैं आपको मैं प्रूफ दिखा रहा हूँ कि ये आपने भी लगा है, इनकी गाड़ियां खड़ी है, आप इसके बाद भी अगर इसी चीज को लेके बात करेंगे वकील साहब आप देख लीजिए, अगर अगर उसके बाद भी आप इसके ऊपर ये कहेंगे कि वो कह रहे हैं, वो कहने से तो वो कुछ भी कह रहे हैं, देखिए उन्होंने अच्छा ठीक है आप मुझे सर बताइए, चलो ये एक बात होगी कि आप कह रहे हैं पब्लिक नहीं चल रही थी उस सड़क पे, आपका गेट लगा था, पब्लिक उस सड़क पे नहीं चल, पब्लिक को जाना किधर पीछे ठीक है, नहीं मैं आपसे पूछ रही हूँ चल रही थी कि नहीं जाने का, वो एक मिनट वो सवाल नहीं, अंदर चार दीवारी बंद है, हमारा ये गेट एक्सेस है, अगर कोई जाएगा वो तो हमारे प्लॉट में जाएगा बिल्कुल, और ये गेट 2015 से लगा है, 2015 से भी पहले जब से हम लोगों ने जमीन खरीदी है तब से लगा हुआ, पहले इसमें टीम वो बंद किया हुआ था, एक छोटा पल्ला खुलता था उसका, पूरा टीन लगा हुआ था, जो हमने चेंज किया उसके बाद हमने अभी तक दो गेट लगाए इसमें, जो पहले गेट वो उसी टीन का गेट बनाया था जब हमारी ट्रकें आ रही थी, उसके बाद वो तो टूट गया, ट्रक से टूटा, किसने टूटा उसमें मैं इनको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, उसके बाद हमने ये गेट लगाया ठीक है, अब आप मुझे बताएं ये सारा कुछ होने के बावजूद आज कोर्ट का क्या, आज कोर्ट क्या कह रही है, क्योंकि ये जो मैटर है ये ना तो मैं सुलझा सकती हूँ ना तो आप इंडिविजुअली, मुझे बताएं कोर्ट ये कह रहा है कि आप गेट लगा दीजिए, इसके बाद क्या चाहिए आपको, अभी अब कल कोर्ट क्या करेगा वो तो कल कोर्ट को तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, कल क्या करूँ, लेकिन क्या मुझे पता होगा, अभी ये केस कोर्ट में है ना, इस कोर्ट ने पूरा ही केस बंद नहीं किया, खारिज नहीं किया ना ही एक डिसीजन दिया, देखिए लाला जी मैं एक चीज बताऊंगा, जिस हिसाब से आप बात कर रहे हैं, आप एक साइड बात कर रहे हैं, आप दूसरी साइड समझने की कोशिश नहीं, सर हम समझे आपकी बात, प्लीज प्लीज जी जी मैं आपको बता रहा हूँ कोर्ट का वर्जन ये है जो अभी लेटेस्ट कोर्ट ने दिया, आप डेट देख लीजिए, अगर आपको इस चीज में भी जाना है तो आप इसका डेट देख लीजिए, कौन सी डेट में ये कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया, ये तो अभी का है, ये स्टे ऑर्डर है ठीक है ना सर, मेरा सवाल आपसे ये है का? जो उन्होंने इंटरिम रिलीफ लाया था उस चीज को अभी अपनी पोजिशन वापस करा सकते आप गेट से ठीक है, इसके बाद भी अभी कोर्ट में केस है ना, इस स्टे के बाद भी कोर्ट में अभी केस चल रहा है, नहीं वो तो चलेगा ना, वो तो फाइनल केस जब होगा, एब्सोल्युटली तो फाइनल अभी डिसीजन नहीं आया, अगर मैं कल गेट लगाता हूँ कोर्ट कैन टेक डिसीजन कि मेरा गेट डिमोलिश करे, डिसमेंटल करे, वो तो मैं कोई रोकने वाला थोड़ी हूँ, जब अगर आप वाकई में ईमानदारी के साथ काम करना चाह रहे हैं इस चीज को लेके, हाँ ये गेट लगा हुआ था लगवा दीजिए गेट, फिर जब जजमेंट आ जाएगी फाइनल उसमें हो सकता है कोर्ट फिर उस वक्त डिमोलिशन का ऑर्डर दे, लगाए कोर्ट दे दे उसको, अच्छा हम क्यों मना करेंगे उसको, अच्छा सर ये तो मतलब दिस इज ये जो स्टे है ये जो गेट आपने वापस लगाने का आपको हक दिया गया है ये कोर्ट का डिसीजन था पहले, अभी कोर्ट में ये चैलेंज किया गया है, नहीं अभी तो कोर्ट की फाइनल हियरिंग नहीं आई ना सर, देखिए ये ऑर्डर वो चैलेंज करने गए ठीक है, तो दैट मींस दिस इज चैलेंज्ड राइट, नहीं गलत बात मत करिए, आप समझ लीजिए मैं आपको समझाता हूँ, ये ऑर्डर वो चैलेंज करने गए उन्होंने थर्सडे को अप्लाई किया, उनको कोर्ट ने टाइम दिया फ्राइडे को, फ्राइडे 11 बजे का इसका टाइम था, फ्राइडे जो ही केस लगता उससे पहले उनके वकील साहब ने कहा कि मैं अभी तैयार नहीं हूँ, जो भी है उसने कहा मैं अभी तैयार नहीं हूँ, आज मैं इसको नहीं कर सकता हूँ, इसको नेक्स्ट डेट दे दीजिए, तो अभी वो कोर्ट तक पहुंचा ही नहीं केस, ठीक है जज ने अभी सुना ही नहीं, वो जो है वो जो उन्होंने अप्लाई किया है अभी जज ने नहीं सुना, मैं आपको ये सब जानने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी इसकी वैलिडिटी पूरी है, तो अगर आज भी कानून के साथ वो चलना चाहते हैं वो हमें नहीं रोक सकते हैं, अगर वो कानून के साथ अगर वो ऑनेस्टी के साथ और कानून के साथ काम करना चाहते हैं फिर तो वो यहाँ इसको नहीं रोक सकते, ठीक है सर, तो दिस इज ऑल इट इज,
है कि ना सर। अब मेरी एक गुजारिश आपसे है कि अभी कोर्ट में वो केस कर रहे हैं, देखिए नहीं कर रहे हैं वो अलग बात है, वो कोर्ट में क्या कर रहे हैं वो करने दीजिए उनको, देखिए वो करने दीजिए उनको, जब वो करेंगे हम उसका कोर्ट को जवाब देंगे। अगर हम फेल हुए जवाब देने में कोर्ट अपना डिसीजन लेगा, उसमें मैं देखिए कोर्ट बिल्कुल उनका भी यही कहना है, जिस दिन कोर्ट उनको ये पेपर दे देंगे दिस इज नॉट द फाइनल डिसीजन ऑफ द कोर्ट। गलत आप कह रहे हैं, ठीक है, दिस इज चैलेंज इन द हाई कोर्ट। मुझे पता है आपको समझ आ रहा है लेकिन आप समझना नहीं चाहते। नहीं ऐसा नहीं है सर, मैं समझ रही हूँ, लेकिन कोर्ट ने अभी तक जो दिया है वो ये है जी। इसके बाद कोर्ट क्या देगा वो उस, तो हमें उस चीज का, हमें उस चीज का तो जो आज है, जो आज है, आज कोई कोविड पॉजिटिव है 10 दिन के बाद वो नेगेटिव भी आएगा। लॉ में ये नहीं चलता है ना सर, मैं जो, जो सजा है लॉ में यही चलता है, जो आज है जो कोर्ट ने सुना जिसके ऊपर, ये देखिए वकील साहिबा आपके साथ है, आप वकील साहिबा इनसे बात करिए 2 मिनट, आप मुझे बताएं, आप इनकी तरफ कैमरा करिए 2 मिनट, आप बताएं वकील साहिबा क्या मैं गलत बात कर रहा हूं, जो कोर्ट ने आज डिसीजन दिया उस पे हमें काम करना है आज, या कल जो देगा उस पे काम करना है? फिलहाल अगर कोर्ट ऑर्डर्स ये है स्टे नहीं है देन आप प्रोसीड कर सकते हैं अपना वर्क, इफ इट इज अंडर स्टे देन वही मैं कह रहा हूँ, ये यही मैं कह रहा हूँ, जो हमारा ये कोर्ट ऑर्डर है इस पे मैं तो क्या ये कॉपी उनको दी गई है? जी बिल्कुल दी गई है। सबसे पहले इन्होंने जब हमने ये कोर्ट में जाने के लिए उन्होंने उसको कैबिट लगाया था, बाकायदा उनको उनके वकील को बुलाया गया, इसमें 2 डेट मिल गई है, 2 डेट के बाद ये उनको ऑर्डर मिल गया और हमें भी मिल गया। उसके बाद जिस दिन हम काम करने के लिए गए वो हमें पता है सर उस टाइम पे क्या, तो फिर क्यों आप मुझे पूछ रहे हैं सवाल जब आपको पता है? सर हमें, हम आपसे ये आप मेरी बात सुनिए सर, ये देखिए 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 लैला जी देखिए मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, आप थोड़ी सी नहीं नहीं आई एम आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली सो दैट वी कैन कम टू अ कंक्लूजन। आलिया लावे को मैं ये व्हाट्सएप पे सेंड करता हूँ पूरा कोर्ट का ऑर्डर, कि ताकि मैं उनको ये कहने के लिए ऑर्डर करता हूँ हम लोग वहां काम करने के लिए आ रहे हैं, गेट लगाने के लिए आ रहे हैं, जबकि उनके पास ऑलरेडी कोर्ट की तरफ से पार्टी आ चुकी थी। अब मुझे बताएं मैं कहां पे उनको गलत कर रहा हूं और मैं कहां हैरेसमेंट कर रहा हूं? हैरेसमेंट वो कर रहे हैं, अब उसके बाद उन्होंने क्या ड्रामा किया टीवी पे वीडियो में वो तो आप सबने देखा, क्या हमारे तरफ से कोई एक आदमी उनको बदतमीजी के साथ बात कर रहा है? वहां पे कुछ हाथापाई हो गई थी उनके फादर इन लॉ को, बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने हाथापाई की हमारे स्टाफ के साथ, उन्होंने गेंती उठाई उनके फादर इन लॉ को, मैं आपको वीडियो पे दिखाता हूँ, उन्होंने गेंती उठाई हमारे स्टाफ को मारने के लिए, हमारे उनके किसी ने उनको वो गेंती हाथ से छीनी, शायद उनको गेंती की कुछ किसी चीज से लगी होगी वो हमें नहीं पता। दूसरा जो उनका वो शबीर अहमद नाजा उर्फ नाजा जो वहां पे उनका अंकल है जो वो कहता है कपड़े फाड़ो उसने एक इतना बड़ा पत्थर था, हम कह रहे थे कि अब क्या कपड़े फाड़ने हैं, देखिए वो कह रहे हैं, आपने भी तो वीडियो देखा होगा, तो वीडियो में क्या कह रहा है मैं आपको दिखाऊं? तो फिर आप एक चीज को कटन करने की हम नहीं कर रहे हैं, प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आपने वीडियो देखा नहीं, नहीं सर, वी आर हियर टू अंडरस्टैंड यू, दैट्स व्हाई वी आर हियर, आई फुली एग्री एंड रेस्पेक्ट, बिकॉज़ मैं भी डिप्रेसिंग, मतलब इसमें ये लोगों के गेट इंस्टॉलेशन का ऑर्डर किधर लिखा है, जस्ट दैट लाइन, ये ऑर्डर मिला हुआ है ना, देखिए देखिए मैं बताता हूँ, जो सर के लॉयर, इसमें वो चीज नहीं होती है, ये स्टे में वो चीज लिखी नहीं जाती है, वो उस ऑर्डर को स्टे है जो उन्होंने कोर्ट से लाया, इंटर्म को स्टे, नहीं नहीं मुझे वो लाइन चाहिए जहाँ पे लिखा हो कि भाई गेट कैन बी इंस्टॉल्ड और आप यू कैन प्रोसीड, नहीं तभी मैं इनसे पूछ रही हूँ जी, लिखी जाती है ना, ये क्या है इंटर्म एज वेल एज अ फाइनल इन द एप्लीकेशन सीकिंग इंटर्म सपोज इनवर्ट एंड incurable defects. The trial court has no jurisdiction to grant interim relief without following the mandatory terms of Section 80 of Civil Procedure Code. As such, a public order being without jurisdiction is liable to caution. Respondent and the court have already filed a caveat prior to the institution of this appeal. Okay. Heard the IG Council appearing for the caveats and caveat started.
Okay, which was submitted that the appeal is the time barred. Some had to be filed within 30 days for 15 to 30 days of period. Prescribed by Limitation Act same has been filed beyond filed by 3 days. Apart from that, has been argued that the prayer for statement impugnment order cannot be granted for the reasons that a detailed order has been passed after hearing both the parties. And the court has balanced the right of the parties by allowing joint user of pathway and undertaking also stands submitted that respondent would not create any reference there hai jo unhone interest of both parties stands protected counsel for the आप मुझे बताएं जो उनके पास वो ऑर्डर था उसमें क्या कहीं लिखा था एपेक्स को ड्यू टू द ऑनसेट ऑफ कोविड 19 पैंडेमिक टेकन द कॉग्निजेंस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ द लिमिटेशन आल्सो फॉर द अपीलेंट स्टेटेड दैट फ्रॉम मार्च 2021 ऑनवर्ड दैट ही हैज अ राइट टू फाइल द अपील एंड इन लाइट ऑफ द डायरेक्शन पासड बाय द ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट इन द सुमो मोटर पिटिशन दैट देयर इज नो नीड टू फाइल एप्लीकेशन फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ डिले पर्सुइंट द मेमो ऑफ द अपील एंड द ग्राउंड्स टेकन द अपील बाय द अपीलेंट एंड आल्सो हैव गॉन थ्रू द एप्लीकेशन सीकिंग स्टे ऑफ द इंपग्नेट ऑर्डर एफिडेविट एंड एक्सेट हियर टू हैज टू बी पर्स्यूड कैन The reason for admitting the appeal is subject to you know. इसमें कहीं पे स्टे नहीं आया है कि ये गेट नहीं लगा सकते हैं स्टे सिर्फ इस चीज के है वो इंटरमली जो आपने वो पोजीशन ये ना एश्योरिटी जाती थी उस चीज का स्टे है गेट ना लगाने का स्टे अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर नहीं ठीक है सर आई अंडरस्टूड अब आप बता रहे थे कि उन्होंने कहा कि ये नहीं है ये देखिए ये क्लियर नहीं इसको बोला चाटी पारा सर हम इस चीज को अगर इग्नोर करें तो बेहतर रहेगा सर चले लेट्स नॉट गो इनटू डिटेल्स नहीं आई मीन सर प्लीज ये मैं आपको बता रहा हूँ If you are asking the question, आपको जवाब देखिए सर अब मेरी एक गुजारिश है आपसे as a senior citizen of Kashmir and as a obviously you are a person who represents the society who represents Kashmir वो mentally बहुत ज्यादा harassed है they are going through a lot उन्होंने हमें ठीक आप भी कर बिल्कुल absolutely मैं एक बिजनेस चला रहा हूँ यहाँ पे जी मेरे पास इतना समय नहीं होता है कि मैं इसी चीज के पीछे भाग दौड़ करूँ मैंने कल भी जो मीडिया पर्सनालिटी कोई आई थी मेरे पास जो पहले उनके पास गई फिर यहाँ पे भी आई उनके साथ भी मैंने कल बात की थी मैंने कहा देखिए झगड़ों में रहेंगे तो नुकसान दोनों का है वो भी नुकसान में है हम भी नुकसान में है उसमें कोई मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है शायद उनके पास भी मेंटल हैरेसमेंट वो उन्होंने स्टार्ट करी हमारे साथ और अगर आज वो खुद कह रहे हैं कि हम मेंटल हैरेस हो रहा है मुझे बताएं हमने कौन सा गलत काम किया और हमने कौन सा गलत चीज दिखाया sir, जो जबकि उन्होंने सारी चीजें गलत दिखाई सर देखिए उन्होंने जब उन्होंने, दो चीज, उन्होंने, दो लोग इन्वॉल्व होते हैं किसी चीज में उन्होंने वीडियो में बाकायदा 10 जगह कहा कि ये चोर है कैसे क्या वकील साहिबा से पूछें क्या कानून किसी को इजाजत देती है किसी को ऐसी लैंग्वेज यूज करने के लिए क्या वकील साहिबा होती है मैं वही कह रहा हूँ अब मुझसे आप मुझे बताएं मैंने कोई उनके साथ कोई भी इस एक वर्ड बदतमीजी के साथ साइड से किसी ने कुछ उनको बोला कुछ वाली एक्स्ट्रा और देखिए ये चीज आपने दिखाई अब मेरा वर्जन देखिए उस चीज जी सर इसको ये नहीं कहिए कि वीडियो बंद करिए अब इसको वीडियो बंद नहीं करिए वो हुज़ैफ़ा जो है मैंने उनको कहा हाँ हमारा रिश्तेदार है और उसका अपना वर्जन है जो वो बताना चाहेगा अब उसके साथ वो जान पहचान है या नहीं है मुझे कोई उससे कोई लेना देना नहीं है लेकिन मसला ये है कि जब आप किसी को गालियां देंगे वो क्या आपको लिहाज करेगा ये देखिए ये फैजान मुश्ताक ये उनको उसका जवाब दे रहा है ये हुज़ैफ़ा सर एक सवाल एक चीज है। एक चीज पहले इस चीज को आप क्लियर करिए ना फिर उसके बाद एक सवाल नहीं ये सवाल मैं पूछना चाहता हूँ क्या 100 लोग वहाँ गए थे लड़कियों को हैरस करना क्योंकि उनकी एक बात है कि आपकी तरफ से 100 लड़के गए थे जिन्होंने उनको हैरस किया था मैं आपकी जबान फिजिकल हैरस बट ये गेट इंस्टॉल वगैरह उसी में वो हथापाई एंड ऑल
एक का नाम बताएं या एक का फोटो दिखाएं? नहीं आप मुझे हाँ या ना दो, क्योंकि यू आर अ सीनियर सिटीजन, दे विल बिलीव यू। देखिए मैं बताता हूँ, कोई भी नहीं गया, आप मुझे दो आदमी वो दिखा दिए, एक आदमी दिखा दिए, और मैं आपको उसी का वर्जन दिखाऊंगा। जो 100 आदमी की बात आप कर रहे हैं, वो 100 आदमी ये लोग कहते हैं, इसकी बेटी ये ना, इसकी बहन, छोटी वाली बहन कहते हैं, वो वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, वो ये कहती है हमारे 100 आदमी आएंगे आपको टुकड़े टुकड़े कर देंगे, अभी आ रहे हैं। और उनके लड़के आए जो उनके हस्बैंड के साथ आए, उन्होंने वहां हाथापाई शुरू की, उन्होंने हमारे लड़कों को मारा, ये वीडियो में कैप्चर है। अब बताएं आप ये नहीं, ये वो मुश्ताक साहब है। अब आप मुझे बताएं ये क्या दिखा रहे हैं, ये क्या लिख रहे हैं, और ओपन में लिख रहे हैं, क्या इसका जवाब कोई नहीं देगा? अच्छा सर, अब ये है कि आप दोनों देखें, एक जब कोर्ट केस होता है, ये तो बाहर का किसी ने वीडियो वायरल किया, उसके बाद आप मुझे बताएं यहाँ पे मेरी तरफ से या मेरी फैमिली की तरफ से, मेरे फैमिली मेंबर में से किसी ने उनके साथ बदतमीजी की? नहीं तो उनका कोई फैमिली मेंबर नहीं है जिसने हमारी नहीं दी, वो एब्यूज लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं की, कोई मेंबर को दिखाए जिसने एब्यूज लैंग्वेज चाहे सोशल मीडिया में चाहे उसको सामने आके किया। सर अब ये है, देखिए दोनों पार्टीज इसमें इन्वॉल्व हैं, दोनों पार्टी इसमें मेंटली हैरेस्ड हैं, दोनों पार्टी वरिड हैं, दोनों पार्टी परेशान हैं, आप भी और वो भी। क्या हम एक चीज नहीं गुजारिश आपसे कर सकते और उनसे भी कि जब तक कोर्ट केस, ये आप पढ़िएगा, ये जो आप कह रहे हैं ना, बाकायदा इसमें ये कह रही है सज्जाद साहब, हमने इनका गेट चोरी किया लड़कियां होकर भी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्टिंग। अब ये सज्जाद साहब कौन है ये उनको पता है, मुझे नहीं पता कौन सज्जाद साहब है। देखें हम जो आपका भी केस है उनका भी केस है, दोनों तरफ से जो है हमने बात सुनी है, वी आर नो वन टू टेक डिसीजन, ये तो कोर्ट ही करेगा, है कि नहीं? मैं मानती हूँ उनके जो वीडियोस हैं उससे सोसाइटी में बहुत क्योस हुआ है, आई अग्री टू दैट। इनफैक्ट हम भी मेंटली बहुत डिस्टर्ब हुए जब से हमने उनका वीडियो देखा है और जब से यहाँ से भी वीडियोज आए, इट वॉज दीज मैसेजेस आर डिस्टर्बिंग, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी डिस्टर्बिंग, एंड कश्मीर में ये सब होना इज फॉर मी इज शॉकिंग। एक चीज मैं आपसे गुजारिश करूंगा, बी ऑनेस्ट, अल्लाह को सामने रख के क्या आपको लगता है मैंने कोई गलत किया है यहाँ पे? अल्लाह को सामने रख के बट आप आए हैं यहाँ से, नहीं आप आए हैं, I'm only one or two year experience, as a lawyer छोड़ दीजिए, as a human being आप बताएं जो आपने देखा या सुना, क्या आपको लगता है कि हमने कहीं गलत किया? खुद आपको हाजिर न, जो आपके पेपर्स है वो तो हाँ, पेपर्स आपके जेन्युइन है, बात भी आपकी जेन्युइन है, बिल्कुल जेन्युइन है, हमने ऐसा कहा ही नहीं, आपकी बात जेन्युइन नहीं है, पीछे बिना उस चीज को, दीज आर ऑल वैलिड डॉक्यूमेंट्स, बिना उस चीज को, उस वैलिड डॉक्यूमेंट उनके पास एक भी हो तो मेरे पास लेके आ जाए, मैं किसी की बात नहीं, आपकी बात भी सुन सकता हूँ, ये जरूरी नहीं कोई मेरे पास कोई बड़ा आदमी आ जाए, कोई लड़का भी लेके आ जाएगा, मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा और वेलकम करूंगा। सर हमारा सिर्फ ये चीज जब तक कोर्ट का फैसला फाइनल नहीं आ जाता है, क्या ये चीज नहीं हो सकती है कि आप लोग भी और वो लोग भी इस चीज को स्टॉप करें, अनलेस एंड अंटिल वी वेट फॉर द कोर्ट, जब तक हाई कोर्ट इसमें डिसीजन नहीं देता है। देखिए मैं बताता हूँ, मैं आपकी इज्जत करूंगा, आप मेरे पास आए, कोई नहीं जाएगा जब तक थर्सडे को केस नहीं कोई सुनेगा कोर्ट, मैं आपको नहीं, लेकिन 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 ये जो बातें कर रहे हैं बार बार वीडियोस इस पे सोशल मीडिया पे, सबसे पहले मैं अपनी बात कहूंगा, मैं सोशल मीडिया पे कल तक था ही नहीं, मेरा कोई सोशल मीडिया का अकाउंट ही नहीं था, मैं चला ही नहीं रहा था, मैं इन चीजों से बहुत दूर रहता हूँ। कल मैंने फेसबुक को खोला और उसको चेक किया कि क्या होता है ये फेसबुक, आप मुझे एक भी वायरल वीडियो दिखाएं जो मैंने किया हो या मैंने कोई पोस्ट किया हो इनके अगेनेस्ट या इनके फेवर में। ठीक है सर, तो क्या आप ये वर्ड देते हैं कि जब तक हाई कोर्ट का फैसला नहीं आएगा तब तक आपकी तरफ से कोई भी नहीं, मैंने कहा थर्सडे तक, जब जी जी जो थर्सडे का कोर्ट है, कल इसमें फैसला होगा, कोई नहीं जाएगा तब तक, आपकी तरफ से कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। चलिए मैं आपकी बात, आपको इज्जत करता हूँ, उनकी तरफ से कुछ भी नहीं आएगा, लेट द कोर्ट डिसाइड, लेट्स एंड दिस सोशल मीडिया फाइट, क्योंकि सोसाइटी इज गेटिंग वेरी वेरी क्योस, ये क्योस उन्होंने स्टार्ट किया और लेकिन इन्वॉल्व आप दोनों हो गए, उन्होंने मुझे इतना ज्यादा हैरेस किया,
मेरे घर वाले भी मुझसे कह रहे थे कि ये क्या हो रहा है, ये क्या लिख रहे हैं, मतलब उनके लोग उन्होंने हायर करके, एक लड़का है लाल बाजार में, वो मेरे को अपना फेसबुक आईडी फेक बना के ऐसी ऐसी बातें लिखता है, उसको क्या पता कि यहाँ पे देखिए ये सब कुछ सामने आता है, आपके हाथ में मोबाइल है, आईफोन है, आपके पास क्या है क्या नहीं है वो सब मेरे पास है, वो सब आपके पास है, तो इसलिए उन चीज़ों से उनको भी बताएं, दूर रहें इन चीज़ों से। ये हम आप दोनों से गुजारिश करते हैं सोशल मीडिया से, क्योंकि ये मसला कोर्ट में है, ये कोर्ट का मसला होगा।